अस्सलाम जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो सारे दोस्त? खैरियत से होंगे जी। आया हूँ छत पे, अभी काफ़ी देर हो गई है। दाना पानी ले गया, इधर कबूतर एक आया हुआ था, अभी पता किधर चला गया। बिल्कुल बैठ रहा था, कुंदा ही नहीं था मार, इतना उसकी एंड हुई थी। तो कबूतर कबूतर बैठे हैं, भूखे हो रहे हैं। टाइम अभी 5 का टाइम हो गया जी। बाकी जी सब परदेसी भाइयों को ईद मुबारक जी, बहुत बहुत मेरी तरफ से। मेरे ख्याल में आए परदेसियों की ईद है, बहुत बहुत ईद मुबारक साहब भाइयों को। तो आज संडे का दिन है, तो मैं अभी आया हूँ छत पर। मैं चलो दाना पानी करते हैं कबूतरों को, तो साथ में भाइयों को भी दिखा देते हैं। और भाई सुना, सब ठीक ठाक है? खैरियत से होंगे जी मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, अरहम भाई हैं जी। अरहम भाई कैसे हो? ठीक ठाक हो, खैरियत से हो गए? तो उन्होंने काफ़ी कमेंट किए थे, भाई मेरा वीडियो में नाम लेना, मेरा भी लेना। मुझे फिर याद नहीं था, रह गया। तो अरहम भाई हैरी से होंगे जी। बाकी जी एक भाई बोल रहे थे कि मच्छर बच्चों को लड़ता है बहुत ज़्यादा, मतलब कि मच्छर के काटने से मातें निकल आती हैं। तो उनके लिए जी, निकल तो हमारे के आती हैं, लेकिन हमने लगाया हुआ डीजल। माँ आपको वो भी दिखा दें, ये बच्चे हैं अपने सारे माशाल्लाह, देख लें जल्दी एक्टिव हैं। ये देख लें इन्हें भी निकली हुई हैं, देख लें पाँव पे काफ़ी निकली हुई थी, लेकिन आप बेहतर हो गई जैसे जैसे आस्ता आस्ता से बेहतर होते जा रहे हैं। इनकी भी मातें, ये देख लें कितने इसके पाँव बहुत ही ज़्यादा बड़े हुए थे, इससे उड़ना ही नहीं था होता, लेकिन अब माशाल्लाह ठीक हो गया। पक्के का बच्चा है माशाल्लाह। ये सारे बच्चे हैं अपने भी, हमने जी लगाया हुआ डीजल। तो अब ये देख लें, हमने डीजल बोतल में ला के ना ऊपर से ढक्कन इसका खोला हुआ, ऊपर ढक्कन नहीं है इसके लगा हुआ, ढक्कन हमने नहीं लगाया, ढक्कन खोला हुआ है। तो इसमें डीजल ला के, कहीं से भी पेट्रोल वाली दुकान से मिल जाता है डीजल, वो तो हमने ला के डीजल लगाया हुआ है। तो मेरे ख्याल में तो नहीं लड़ता होगा, बाकी बच्चे आपके सामने हैं माशाल्लाह। तो हमने डीजल लगाया, भाई एक बोल रहे थे मच्छर के बारे में, तो स्मेल तो ऐसे नहीं इसकी आ रही अभी, क्योंकि आप पुराना हो रहा है, साथ साथ ही ऐसे अगर थोड़ा सा बाहर गिरा देना तो फिर स्मेल आती रहती है। अभी पुराना हो रहा है ना, मैंने ये देर थोड़ा सा गिरा दिया बाहर, अभी स्मेल काफ़ी आ रही है इसकी भी। तो बाकी जी अभी इन्हें दाने खाना कराने लगा हूँ, मैंने बोला चलो भाइयों को थोड़ा दिखा देता हूँ, बाकी बाहर निकाल देते हैं। एक बच्चे की कन्नी टूटी हुई थी, एक बच्चे की दोस्तों कन्नी टूट गई है, बट 35 वाले की उसकी कन्नी लगाता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ कैसे लगाता हूँ मैं। ये इस बच्चे की कन्नी टूट गई, जो उड़ता था अभी न्यू हुई है थोड़ा, तो उसकी टूट गया कन्नी, एक पार टूट गया उसका पार भी लगाता हूँ, तो वो भी आपको दिखाता हूँ, ताकि अगर किसी भाई को थोड़ा लगाना मेरे से बेहतर होता हो, क्योंकि आगे भी एक दो मरतबा लगाए हैं भाई, उधर भी पूछ रहे थे कि भाई कैसे लगाते हैं, वो भी लगाता हूँ, वो भी आप भाई को दिखाता हूँ साथ में कैसे लगाता हूँ मैं। तो बाकी ये कबूतर है लकवे में जोड़ों वाला था, कांटू वाले नस्ल के, इससे अलादा दाने इसमें रखे जाते हैं, इसमें खाता है ये। बाकी जो उस बच्चे के लिए कन्नी भी रखी हुई है, ये देख लें, ये इसके ना पार के आगे ना थोड़ी सी तार तोड़ के ना, तार का टोटा वो लगाया हुआ बीच में, ये अभी टेढ़ा हुआ, इसे सीधा काट देंगे ना बिल्कुल, ये इस बच्चे को कन्नी लगाऊंगा, आपके सामने लगाते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। अल्फी के साथ लगाता हूँ हम, तो अल्फी के साथ लगाई थी एक दो बच्चे को, तो ठीक जोड़ गई थी, लेकिन ये अब इस बच्चे की भी टूटी है, उन्होंने कन्नियाँ मेरे ख्याल में गिरा दी हैं, अल्फी के साथ लगाई थी, बाकी अभी इस बच्चे की टूट गई है, इसकी भी लगाता हूँ, वह भी आपको दिखाता हूँ, बाइट से टूटी है। बाकी इन्हें दाना डालने लगा हूँ, दाना डालता हूँ फिर भी आपको दिखाता हूँ। बाकी जी अभी दाना है ना, मैंने धो के पानी है निकाल दिए दाने में से, कबूतरों को डाल देते हैं। माशाल्लाह सारे कबूतर हेल्दी एक्टिव हैं, नीचे से आएंगे दाने ना खाएंगे। दाना भी फिलहाल तो गंदम ही है, तो बाजरा ख़त्म हो गया जी अब, तो फिलहाल तो गंदम ही डाल रहा हूँ। तो सुबह तो नहीं, बहुत ही मुश्किल है निकालूँ, आज भी निकाल के उड़ाए हुए थे, तो सुबह का चांस कम ही है उड़ाने के, सुबह ईद भी आपको पता है, फिर कुर्बानी का भी है, हमारे पास तो बकरा है लेला जो कुर्बान करना है, जिसकी कुर्बानी करनी है हमने,
फिर उस कुर्बानी शुरबानी करनी होती है फिर, तो ईद है इसलिए फिर कबूतर सुबह बांध ही रहेंगे, कबूतर ही निकालने बाहर निकाल के फिर अगर कबूतरों का फिर देखेंगे क्या करेंगे। अपने बड़े कबूतर हैं माशाल्लाह। तो बाकी भाई काफ़ी पूछते हैं आपकी लोकेशन की, मैं सराय आलमगीर, लोकेशन मेरी है सराय आलमगीर है, लोकेशन है सराय आलमगीर। ये मादी हैं, मादियाँ काम ही, बाकी सारों में दाना पानी डाल दिया है माशाल्लाह, सारे हेल्दी एक्टिव हैं। तो अगर कोई भी ढीला मट्ठा हो ऐसे पता चल जाएगा आपको, मतलब कि कोई भी अलादा खड़ा हो, ये देख लें सारे के सारे दाना कैसे खा रहे हैं, कोई कबूतर नहीं है, सारे के सारे नीचे देख लें। अगर कोई भी ढीला कबूतर हो वो साइड पे हो, जैसे ये चपड़ा थोड़ा सा ढीला ढीला रहता है इसका, देख लें ये साइड पर ऐसे पता चल रहा है कि ये ढीला सा कबूतर हुआ है, ये चपड़ा सा, ये थोड़ा अलादा अलादा रहता है, ढीला सा थोड़ा रहता है इसका, देख लें साफ पता चलता है ये रहता ही ऐसे है, मसला ऐसे कुछ भी नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन वैसे ही अलादा अलादा रहता है, तो ऐसे ही पता चल जाता है अगर कोई भी कबूतर बीमार हो। बाकी तो माशाल्लाह कबूतर हेल्दी एक्टिव हैं सारे। तो बाकी जी भाई बोर्ड है नंबर का, अपना नंबर दें, नंबर क्या क्या आप कमेंट कर लिया करो, मैं आपके कमेंट देखता रहता हूँ, कमेंट शमेंट पढ़ता रहता हूँ जी आपके। बाकी सारे भाइयों ने कमेंट ज़रूर करने हैं कौन कौन से शहर से हो, कहाँ से हो। तो मेरी तरफ से जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको भी एडवांस ईद मुबारक जी। बाकी से बच्चे जो भी कन्नी भी लगाते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। बाकी माशाल्लाह दाना पानी खा चुके हैं कबूतर सारे, ये देख लें माशाल्लाह। बाकी वो कबूतर अलादा खा रहा है, इसे लकवा है तो इसे नीचे से उठाने नहीं होते दाने, इसे इधर लादा डालते हैं, इधर से आराम से खाता रहता है पेट फुल करके आ जाता है। कांटों वाली नस्ल का कबूतर है माशाल्लाह। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों, बाकी ठीक है फिर मिलते हैं स्नैक्स वीडियो में, तब तक ले लिए अल्लाह हाफिज़।